बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में महावितरण कंपनी ने लिखी जवाब दायर कर कहा कि उपभोक्ताओं को नियमानुसार मार्च से जून तक की अवधि का इकट्ठा बिजली बिल भेजा गया है। कोविड काल में भी मनपा के अधिकारी व कर्मचारी पूरी ताकत से जुटे रहे। स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग व जोन कार्यालय की भूमिका अहम रही, लेकिन बढ़ते संक्रमण का असर अब संबंधित विभाग के कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है। अधिकारियों व कर्मचारियों के पॉजिटिव आने की वजह से दूसरे विभाग के कर्मचारी में चिंता का वातावरण है। जिला परिषद के जलपूर्ति विभाग में कार्यालयीन समय में पार्टी हुई, इस मामले की जांच आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस पार्टी में कौन आया, किसने खाना खाया, इस संबंध में कोई सबूत जांच समिति को नहीं मिला है। 4 महीने पहले जिला परिषद के जलपूर्ति विभाग में दोपहर के समय एक पार्टी हुई। यह पार्टी एक ठेकेदार द्वारा दिए जाने की चर्चा थी, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा खाने की व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है। संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कुही तहसील में शुक्रवार को 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें कुही शहर के 5 तथा हुड़पा, सावरगांव, सालवा, मोहदरा, टेकेपार, पांडरगोटा, सातारा और देवली खुर्द ग्राम के एक एक मरीज का समावेश है। मातृत्व अवकाश से वंचित रखने, मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप को लेकर आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के समक्ष वर्चुअल सुनवाई हुई। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, जबकि पीड़िता नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी भानुप्रिया ठाकुर ने सबूत होने का दावा किया। नागपुर में शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था। रुक रुक कर हल्की फुहारे भी पड़ती रही। हालांकि तेज बारिश दिन भर नहीं हुई, इससे अधिकतम तापमान 3.1 डिग्री चढ़कर 31.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। शहर के कनिष्ठ महाविद्यालय में 11वीं कक्षा के लिए शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन की रफ्तार धीमी हो गई है। कुल 69,000 सीटों के लिए शुक्रवार तक 34,112 विद्यार्थियों ने ही पंजीयन कराया है। इसमें से केवल 18,604 विद्यार्थियों ने आवेदन का भाग एक भरा है। ऑनलाइन पंजीयन व आवेदन की संख्या कम होने से केंद्रीय प्रवेश समिति ने अभी ऑनलाइन आवेदन भाग 2 भरने की तिथि जारी नहीं की। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से नागरिक न घबराए, बल्कि खुद ही जांच करवाए। प्रत्येक पुलिस थाना अंतर्गत स्थापित की गई शांति समिति अब कोविड दक्षता समिति के रूप में काम करे। प्लाज्मा बैंक तैयार करने के लिए दाताओं को प्रोत्साहित करे। बाजार या दुकान में होने वाली भीड़ को देखते हुए रिक्शा से जन जागृति करे। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए शुक्रवार को साक्षात्कार हुए। खबर लिखे जाने तक चयनित उम्मीदवार नाम की घोषणा नहीं हो पाई थी, साक्षात्कार ऑनलाइन हुए। मामूली बात पर उपजे विवाद में 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। हमले में अन्य 2 युवक घायल हो गए हैं। यह वारदात गुरुवार की शाम 6:45 बुटीबोरी के बस स्टैंड चौक में हुई। डबल मर्डर केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।